विजयनाथ जी देखा, बिज्जी ने कहा था कि ऐसी कहानी तो मुझको लिखनी चाहिए। तो अगर विजयनाथ जी जैसा बड़ा कहानीकार ये बात कहता है तो ये किसी भी कहानीकार के लिए इससे बड़ी प्रशंसा नहीं हो सकती कि मुझे भी ऐसी कहानी लिखनी चाहिए। तो अब हम अपना जो है संवाद प्रारंभ करते हैं, और इसमें सबसे पहले तो मैं जो प्रश्न है वो आपके बचपन को लेकर ही करता हूँ कि आपकी बचपन की जो यादें हैं उनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया और आपको आगे जाकर एक कहानीकार बनाया, कहानी के बीच आप में डाले। मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने बचपन में लौटना चाहिए, तो ये एक अवसर भी है आपके पास में कि आज पर आप अपने बचपन में लौटें और उनको उसके बारे में बताएं। हमारी एक पुस्तकों की दुकान थी, बीकॉम ऑनर्स किया था 74 के अंदर और 76 में एमकॉम किया था, और बहुत जल्दी 22 वर्ष की उम्र में मैं बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गया था। दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। एक कि हमारे पुस्तकों की दुकान थी, तब मैं यूनिवर्सिटी सुबह 7:30 बजे जाता था, 12 बजे यूनिवर्सिटी ओवर हो जाती थी और मैं घर आता था, और खाना खाने के बाद मुझे 1 बजे दुकान जाना होता था क्योंकि मेरे पिताजी खाना खाने के लिए घर आते थे, 1 घंटा वो सोते भी थे। तो 1 से 3 के बीच में मैं दुकान पर बैठा करता था, और ये वो समय था जब ग्राहक की 1-2 ग्राहक ही आते थे, कम आते थे वगैरह। हमारे पुस्तकों की दुकान थी जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड इफ़ आई रिकलेक्ट दैट शॉप, तो वहाँ हर तरह की कथाएं बिकती थी, रामचरितमानस बिकती थी, वाल्मीकि रामायण के पूरे खंड थे, महाभारत के पूरे खंड थे, एंड ऑन द राइट साइड शरद चंद्र, बंकिमचंद चटर्जी, गीतांजलि थी, और कई तरह के इंग्लिश नॉवल्स थे, प्रेमचंद के भी थे खूब सारे, सुदर्शन के थे, और कई तरह के इंग्लिश नॉवल्स भी उस समय मुझे पढ़ने को मिलते थे। आई स्टिल रिमेंबर जेन ऑस्टिन द प्राइड एंड प्रेजुडिस, शायद मैंने 16 साल में पढ़ी थी, एंड उस समय के आई एम टॉकिंग इट इज़ समवेयर 72-73 सैनंद्र जी, जब मैरियो पूजो का वो गॉडफादर आया था, और पर्लेस बक आपने जिसको नोबेल प्राइज मिला था, गुड अर्थ हमारी दुकान पे बिका करती थी, मैं आज भी नहीं भूल पाता हूँ गुड अर्थ, इतनी सुंदर पुस्तक थी, एंड गुड अर्थ के उस फार्मर को भूलना तो लगभग असंभव है जो चाइनीज प्रेजेंटेड थे, उन्होंने किताब लिखी थी, टॉलस्टॉय की भी किताबें थी, वो सब कुछ थी, इरविंग वेलेस इज अनदर नेम जो उस जमाने में था, और आई रिमेंबर अ फ्यू ऑफ हिज बुक्स, द वैली ऑफ डोल्स थी उनकी, द 7 मिनट्स थी, कितनी देखिए खुल के लिखते हैं अंग्रेज लोग, 7 मिनट्स इज द फीलिंग ऑफ ए वुमेन ड्यूरिंग द 7 मिनट्स ऑफ इंटरकोर्स, मतलब इतनी खुल के वो किताब लिखी गई थी और बेस्ट सेलर बनी थी उस जमाने की, और आज हम कितनी तरह की तोहमतों से गुजरते हैं छोटी बड़ी बातों को लेके। एक और चीज़ थी, मेरा मूल भाव साहित्य की तरफ ही था लेकिन मैं इस तरफ आ नहीं पाया, इत्तेफाक कुछ ऐसा बना, 1974 में बीकॉम ऑनर्स करने के बाद मैं सबसे पहले हिंदी विभाग में गया था, तब नामवर सिंह जी थे वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जोधपुर के अंदर, और मैंने उन्हें कहा कि सर मैं एमए हिंदी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा तुम पहले विद्यार्थी हो जो बीकॉम करके एमए हिंदी करने आ रहे हो, यूजुअली बीकॉम का व्यक्ति उस जमाने में नहीं आता था, आर्ट के व्यक्ति तो जाते थे, पर मैंने कहा मेरा मन इसी में रमता है, तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया तुम बनना क्या चाहते हो, मैंने कहा मेरे 3 भाई बैंक मैनेजर है, मैं भी बैंक मैनेजर बनना चाहता हूँ, कि बोला तब तुम एमकॉम में ही जाओ। बस वो एक पल था जिस समय मैंने एमकॉम में जाने का निर्णय लिया, एक चीज। दूसरी चीज, उस जमाने के अंदर शायद दादी साहब को इस बात का भान होगा, 73-74 के अंदर डॉक्टर अज्ञेय जोधपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और ये देखिए कैसा इत्तेफाक है कि मुझे उस व्यक्ति से कम 25 बार बात करने का मौका मिला, और बड़ी अंतरंगता से, ये मेरा सौभाग्य है, पर मुझे तो लगता है मैं साहित्यकार इसलिए बन गया कि बड़ी आत्माएं मुझे छू के चली गई, तो वो बिल्कुल जहां मेरी क्लास लगती थी उसके नीचे बैठते थे, उन्हें भी कई चीज़ों पर बात करने में आनंद आता था, मैं 10 बजे की क्लास बंक करता था और वो भी उसी समय बंक करके वहाँ आते थे कैंटीन के अंदर, तो हम साथ बैठते थे, कई दफ़े कई बातों पर बात होती थी वगैरह, साहित्य पे तो वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, पर हमारे घर में रामचरितमानस इन पुस्तकों का बहुत प्रचलन था, तो इसको वो बात करते थे और कहते थे तुझे कई चीज़ें इस बारे में ध्यान है वगैरह, तो डॉक्टर अज्ञेय से भी मेरी कई बार बात हुई है, तो कुछ इस तरह का बैकग्राउंड रहा शैलेंद्र जी कि एक व्यक्ति के अवचेतन मन में जो चीज़ें बैठ जाती है लिटरेचर की, वो भले कोई समय एक लंबे समय तक रेचित ना हो, हर बीज अपने भीतर वृक्ष बनने की संभाव्यता लिए हुए होता है, पर वो समय कब आता है ये कई जगह बहुत डिफिकल्ट होता है। सो आई स्टार्टेड राइटिंग आफ्टर माई 45 ईयर्स, 45 वर्ष के बाद मैंने, मतलब जो यहाँ बैठे हैं जो मुझे पहले जानते हैं उदयपुर में, जैसे मधु जी है,
शोभा जी, ये इनको शायद विश्वास भी नहीं हुआ होगा एक बार ये जानते कि मैं लिखता भी हूँ, पर मैंने लिखा और अभी 10 कथा संग्रह है और इस तरह से मेरी ये शुरुआत हुई। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारा चेतन मन है वो कई तरह के प्रभावों को ग्रहण करता है और समय आने पर जो लोग सचेतन मन के अंदर से कुछ न कुछ क्रिएटिव कोई कृति हमारे अंदर से निकलती है। तो ये अच्छा रहा कि 45 साल बाद ही सही आपने लिखना शुरू किया और बहुत कम समय में आपने बहुत खूब लिखा, बहुत अच्छा लिखा। और आज के समय की मौजूदा स्थिति ये भी है कि आपने कभी कोई कविता नहीं लिखी है, कहानी लिखे हैं, निबंध लिखे हैं और शायद लघु कथाएं भी लिखी है। तो दूसरी तरफ मैं जो हूँ मैंने कभी कोई कहानी नहीं लिखी है। यह जो संवाद है कि हम दोनों की आपकी आपसी समझ को भी बढ़ाएगा, काम करेगा। राठी जी को कविताएं भूलेंगे लिखी होगी तो कविता याद बहुत रहती है और हमारे बीच में इस चीज को लेकर तो बहुत बहस हो चुकी है, कविता ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। राठी जी का हमेशा जोर रहता है कविता जो है वो ये होनी चाहिए, वो गई जा सकने वाली कविता होनी चाहिए। और मैं जो कि मुक्त छंद का हावी जाता हूँ हमारे बीच इसे लेकर भी कई बार बहस होती है। तो अब राठी जी ने जो पहली गाड़ी अपनी लिखी वो 2001 में 2002 में लिखी, 2002 में लिखी थी और ये सडन हुआ, एकदम अचानक हुआ। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो अचानक जो आपने कहानी लिखी तो ये कैसे हुआ, कोई सपना आया या अचानक कोई विचार आपके मन में पनपा? आपने पहले पहली जो कहानी लिखी अमरूद का पेड़ और किसी रचनाकार की पहली कहानी ही प्रसिद्ध हो जाए, लोकप्रिय हो जाए, ये बड़ी बात है। तो आपके कहानी पर अमरूद का पेड़ आज भी बहुत लोगों द्वारा पढ़ी जाती है और बहुत अच्छी कहानी है, तो इसके बारे में मुझे जरा बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, विलियम शेक्सपियर बहुत बड़े साहित्यकार, उन्होंने एक बात कही है शैलेंद्र जी कि सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। अगर मैं इस बात को साहित्य की तरफ मोड़ूं तो कुछ साहित्यकार पैदा होते हैं, पैदाइशी साहित्यकार होते हैं। तुलसी पैदा होते ही राम बोला था। कुछ लोगों को जीवन क्रम में साहित्यकार बनने का मौका मिल जाता है और कुछ लोगों पर साहित्य आके गिर जाता है। मेरे पे साहित्य आके गिर गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं साहित्यकार बनूंगा, ये मेरे जहन में बिल्कुल बात थी ही नहीं। ये मेरे पुराने मित्र आपको बता सकते हैं, 2001 में मैंने बैंक से VRS लिया था और उस समय मेरी पत्नी की तैनाती कहीं और थी, बच्चा कहीं और से कोटा में पढ़ रहा था, राशि मेरी जो बेटी है वो जयपुर में पढ़ रही थी और मेरे को एकाएक लगा ये क्या जीवन है, घर के इन मीन चार प्राणी चार जगह रहते हैं। तो मैंने VRS लिया था और VRS लेने के लिए तो लिया लेकिन टाइम पास करना प्रारंभ में बहुत मुश्किल हुआ। तो एक खालीपन में ही, मतलब खाली बैठे बिल्कुल अकेला अकेला था, तब ये कहानी मेरे जहन में आई थी। और ये कहानी हम जब उदयपुर में रहते थे तो हमारे घर में घुमाने वाला में एक अमरूद का पेड़ था, यू माइट रिकलेक्ट, और उस पेड़ पे खूब फल आते थे। उस पेड़ से, जैसे मैं इस पेड़ से बातें कर रहा था, मेरी पता नहीं प्रकृति से बातें करने की आदत होगी, तो उसको लेकर मैं तरह तरह की कल्पनाएं करता था, तरह तरह की फैंटेसी करता था, तरह तरह की चीज़ों को उसके बारे में सोचता था। और वही जो सोच उस समय का था जो मेरा अचेतन मन में दबा रह गया, इस कहानी को रेचन करने में सहायक बना। तो मैंने एक बार ये कहानी लिखी अमरूद का पेड़। साहित्य अच्छा क्या है या साहित्य कहानी का क्या रूप होना चाहिए तो मैं जानते ही था क्योंकि मैंने साहित्य पढ़ा खूब था बचपन के अंदर। तो मुझे लगा एक मुकम्मल कहानी बन गई है, मैंने पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेजी एंड टू माई सरप्राइज महीने भर बाद वो प्रकाशित हो गई थी। मैंने पहली बार तब मेरा नाम अखबार में देखा, पहली बार फोटो देखी थी, मैंने कहा एक बार और फोटो का ट्राई करते हैं आ जाए तो। तो मैंने एक कहानी और लिखी थी ढाल। ढाल एक ऐसी कहानी जो फिक्सेशन, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है फिक्सेशन, मतलब 90% सास बहू के झगड़ों का कारण होता है मदर फिक्सेशन, कि बच्चा अक्सर वही सोचता है, उसी में सौंदर्य देखता है जो उसकी माँ का है। माँ पत्नी तो नहीं हो सकती ना, पत्नी माँ तो नहीं हो सकती। तो ये फिक्सेशन कई तरह के होते हैं, एक मदर फिक्सेशन होता है, एक सिस्टर फिक्सेशन होता है, फादर फिक्सेशन होता है, ब्रदर फिक्सेशन होता है, दैट वी आर ग्रॉसली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनालिटी ऑफ समबडी। तो एक ब्रदर फिक्सेशन पे एक कहानी मुझे ध्यान आई ढाल। ढाल एक ऐसी कहानी है जिसमें एक भाई दूसरे भाई पे इतना विश्वास करता है कि जब स्कूल जाते हैं तो माँ दो छतरी उन्हें देती है कि बारिश आए तो खोलना, लेकिन जब बारिश आती है तो अपने भाई की छतरी के नीचे आके खड़ा हो जाता है। तो उसको कहता है तेरे पास छतरी तो है ना, तो वो कहता नहीं भैया इस छतरी का पता नहीं मुझे, तेरी छतरी के नीचे मैं नहीं भीग सकता। तो एक फिक्सेशन,
और वही जब वो बड़ा हो जाता तो इस फिक्सेशन से पीड़ित रहता है भाई, तो कैसे वो निकलता है इससे संबंधित थी एक ढाल कहानी, वो फिर दैनिक भास्कर में, दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई थी। फिर एक कहानी लिखी थी जो ताज़ा ताज़ा मेरे थे, एक युगांतर कहानी लिखी थी कि आप जिस लड़की को देखने जाते हैं 25 साल पहले और उसे रिजेक्ट कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि 2-3 और देखूंगा, और 25 साल बाद वही लड़की आपकी लड़की को देखने आती है और आप दोनों जान जाते हैं कि ये वही लड़की है, तो युग के अंतर में आपके क्या बीती रही युगांतर। तो वो भी किसी साहित्यिक पत्रिका में छपी थी, तब मुझे लगा कि मेरे भीतर एक कहानी का जन्म ले चुका है, आई कैन राइट स्टोरीज, और तब मैंने क्रमशः कहानियाँ लिखना शुरू किया और इसी क्रम के अंदर कहानियाँ लिखता गया। 10 कथा संग्रह मेरे 167 कहानियाँ हैं करीब, और ये जो आलेख मैंने लिखे हैं वो भी अचानक ही प्रकट हुए। एक चीज शैलेंद्र जी, वलवला, एक वाइब्रेशन, एक स्ट्राइकिंग पॉइंट आपके जीवन में कई बार आता है, कोई चीज आपको स्ट्राइक करती है तो आप लिखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आप सभी को ध्यान होगा कोई जमाने में अरुंधति राय ने कश्मीर पे एक बड़ा बुरा सा स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। कोई बाहर का आदमी दे तो बात समझ में आता है, वो हमारे देश की थी। तो मुझे लगा कि आप जिन फजाओं में सांस लेते हैं, जहाँ की मिट्टी में आप रहते हैं, जहाँ का अनाज आप खाते हैं, उसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उसे ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी, वो क्या मुखर होना चाहती थी प्रेस के सामने या सबके सामने? तो मैंने, दैट्स ए स्ट्राइकिंग पॉइंट, जो चीज़ आपको बर्नअप करती है। एक लेख लिखा था, चिराग जलाने लगे आशियाँ, और वो पहली बार प्रकाशित हुआ तो फिर एडिटर ने मुझे कहा आप लिखा करो, तो मैं उस क्रम में मैंने आलेख लिखे थे। एक दो बातें और कहना चाहूँगा, ठीक है? ऐसे कई लेखक हैं